शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले पल्लव महाविद्यालय मंडी में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने की। समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय खो खो व जूडो खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया गया। बल्लभ महाविद्यालय की टीम ने जोगिंदर नगर में आयोजित प्रदेश स्तरीय खेल स्पर्धाओं में महिला वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने उत्कृष्ट करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सेन ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रोफेसर दीपक गौतम, एनसीसी एयरविंग अधिकारी चमनलाल, क्रांति सिंह, टीम प्रबंधक प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर पूनम, बिपाशा सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ जॉन नूपुर की आपातकालीन बैठक जसूर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रणजीत शर्मा, तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रभारी जिला चंबापुर कांगड़ा ने की, जिसमें नूरपुर जोन के सभी इकाइयों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी पदाधिकारियों ने बोर्ड के प्रबंध निदेशक ईजेपी काल्टा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तकनीकी कर्मचारी संघ व वर्तमान में प्रभारी भामस के उपाध्यक्ष के प्रति गलत बयानबाजी करने वाले तथा कथित यूनियन के नेता की कड़ी आलोचना की तथा कहा कि ये तथा कथित यूनियन के नेता की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। रजनी शर्मा ने कहा कि ई काल्टा ने नेतृत्व में पिछले कई वर्षों बाद विद्युत बोर्ड घाटे से उबर रहा है। वे एक अच्छे कार्यकुशल अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि तथाकथित यूनियन के पदाधिकारियों का जब भी कोई तबादला होता है तो वे बौखलाहट में बयानबाजी करते हैं। इसके बजाय कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों की समस्याओं का हल आज तक कभी नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कि सभी तकनीकी कर्मचारी एमडी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं तथा वे उनके बाद तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कुल्लू जिला के निर्मंड खंड के तहत रामपुर बुशर के साथ लगते खरगा पंचायत के दो दर्जन से अधिक गांव के 3300 की आबादी को सड़क की दुर्दशा का दर्द झेलना पड़ रहा है। सरकार की ओर से मार्ग पक्का करने के लिए करीब 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन मार्ग को पक्का करने में लगे ठेकेदार की कमी के कारण कार्य अधर में लटका है। ऐसे में सड़क की दशा ठीक न होने के कारण गाड़ियों की आवाजाही जोखिमपूर्ण हो गई है। स्कूली बच्चों को भी बस की कमी के कारण घंटों पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। ग्राम सभा ने भी पंचायत से प्रस्ताव पास कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की लोक निर्माण विभाग से मांग की है। लोगों का कहना है कि मार्ग ठीक न होने से वाहन चालक उप मार्ग पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत में मजबूरी वश लोग राशन की बोरियों की तरह वाहनों में पीछे बैठकर जोखिमपूर्ण सफर कर रहे हैं। स्कूली छात्रा सीमा ने बताया कि खरगा पंचायत के बखन गांव से पैदल पंचायत मुख्यालय के स्कूल में पढ़ाई के लिए जाती हैं। हालांकि उनका बस पास भी बना है, लेकिन खराब मार्ग के कारण सुबह बस जाती नहीं है। स्कूल छात्र महेश ने बताया कि वह खरगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। उसके करीब 50 साथी 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि बस पास भी उनके बने हैं, लेकिन सड़क ठीक न होने के कारण बसें नहीं मिलती हैं। पंचायत प्रधान खरगा मोतीराम ने बताया कि दो दर्जन से अधिक गांव के 3000 से ज्यादा आबादी को यातायात मार्ग की दुर्दशा का दंश झेलना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 8 करोड़ रुपए का ठेका मार्ग को पक्का करने के लिए ठेकेदार को दिया था, लेकिन ठेकेदार की कमी से काम नहीं हो रहा है। जबकि ठेकेदार को काम जनवरी 2019 में पूर्ण करना था। मार्ग खराब होने के कारण गाड़ियां भी कम चलती हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ग्राम सभा ने सरकार और विभाग से ठेकेदार पर जुर्माना लगाने की मांग की है। पंचायत उप प्रधान रोशन लाल ने बताया कि उनकी पंचायत को जाने वाली सड़क की खस्ता हालत बनी हुई है।
सड़क को पक्का किया जाना था, लेकिन ठेकेदार दो वर्षों से भी काम को पूरा नहीं कर पाया है। सरकार से मांग करते हैं कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो। सिरमौर के नारग में रैली में शामिल होने के लिए जाते समय कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर सोलन के विश्राम गृह में रुके। सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उपचुनावों को लेकर अपनी बेबाक राय रखी और कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार सामने देख रही है और इसलिए वे पूरी तरह से बौखला चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस नेता उसी जलजलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जान चुकी है कि वे बुरी तरह से हार रहे हैं, यही वजह है कि वे घबराकर अब आक्रोश रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रति उनका कोई आक्रोश नहीं है, बल्कि वे अपने नेताओं के प्रति ही अपना रोष आक्रोश रैलियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शालीनता के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीत रही है और यही सबसे बड़ी वजह उनके आक्रोश और रोष की है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों ने कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल खराब कर दी थी, जिसे वे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे कामयाब होने वाले नहीं हैं।